बातों का। कई साल पहले मेरे पति के शुभ चिंतक होकर आज भी हमारे परिवार का गौरव बढ़ाने वाले रामनाथ और शिवराज के साथ मैं स्वागत करती हूँ। इस मूर्ति की स्थापना का कार्य पूरा हो जाने के बाद उस अखंड ज्योत को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों से भगवान की स्थापना किए बिना एक वीरान इलाका बना हुआ था ये, पर मूर्ति की स्थापना के बाद पवित्र भूमि बनकर कई ऊंचाइयों को छुएगा ये। यहाँ के 45 गांव के लोग सुख और शांति से जिएंगे और इस बात की सारी जिम्मेदारी लेंगे रामनाथ और शिवराज। विंचल माता की जय। 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 माता, हम पर विश्वास करके आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस मंदिर के हम ध्वज स्तंभ बनकर खड़े रहेंगे। दीदी, तुमने अरुंधति दीदी, पुलिस वाले कभी नहीं रोते बल्कि लोगों के आंसू पोंछते हैं। दीदी, आप इस देव कार्य को करवा रही हैं, मैं यहां बंदोबस्त में आया हूं। बेटी, गर्भ मंदिर के इस पुनीत कार्य को कुछ कारणों की वजह से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। वीर नरसिम्हा ठाकुर ने नाग पंचम बनकर जिस अखंड ज्योति को जलाया था, कई सालों से पारंपरिक रूप से जलती चली आ रही है। वो कुछ देर बाद पहाड़ से यहाँ आ जाएगी। आपके द्वारा प्रज्वलित ये दीपक उस दीपक के साथ मिलकर अखंड ज्योति बनकर हमेशा जलती ही रहेगी। इसे जलाओ बेटी। और हाँ बेटी, पहाड़ पर अखंड ज्योति की रक्षा में बैठे वीरेंद्र आपके आदेश के बाद यहाँ आ रहे हैं। Oh,
आज सबका सपना पूरा होने वाला है। दीदी क्या हुआ राधा? दीदी यही है वो। क्या हुआ? यही है वो धोखेबाज, तुम पर पीछे से वार करने वाले कुत्ते कमीने। यही है दीदी, यही है वो, यही है। दीदी मुझे माफ कीजिए, दीदी माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं माफ कर दीजिए, नहीं 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 माफ कीजिए, लेकिन माफ के हाथ माफ है। राधा बहन लगाओ तिलक। दीदी दीदी मेरी बेटी को क्या हुआ? जय नरसिम्हा। हाँ बेटा, अब आप लोग लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद लें।